भटका थी परी, पता नहीं मैं और कितनी देर तक मानव और मेहर के रूप में रहना होगा। ये तो बहुत ही मुश्किल है। बालवीर अगर जल्दी से मानव और मेहर को जीने स्थान से वापस लेकर नहीं लौटे फिर तो हम बोलो मैं पूरा घर ढूंढ के आया हूँ और आप लोग यहाँ हो। बच्चों चाइनीज लेके आया हूँ, महाराजा और बल्लू को भी लेके। बल्लू कहाँ है? ओ भाई, ओ एक दूसरे की और मत देखो, बल्लू कहाँ है ये बताओ। अब क्या करें, बालवीर तो यहाँ नहीं है। हाँ बालवीर? नहीं नहीं बालवीर नहीं, क्या सुन रहे हो, बल्लू बल्लू अपना बल्लू कहाँ ये पूछ रहा हूँ मैं। वो तो स्नान घर में है। कौन से घर में है? बाथरूम, बाथरूम में। तो हिंदी में बोल ना, बाथरूम में है, ये तो स्नान ग्रह क्या होता है। बल्लू बेटा, ए बल्लू बेटा, बल्लू भाई चाइनीज लाया हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। बल्लू अगर इन्होंने दरवाजा खोल दिया फिर तो हम पकड़े जाएंगे। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें दादाजी को बल्लू बनाना होगा। हाँ विस्तार परी, आप सही कह रही हैं। मैं अभी दादाजी को बल्लू बना देती हूँ, जल्दी। बल्लू? बल्लू अंदर था ना, ये बाहर से ऐसे कहां से आया? बल्लू महेश कहां है? बल्लू महेश, पर तू बाथरूम में था ना, ये बाहर से कैसे आया तू? मैं बताती हूँ। देखो पापा, मैंने आपको ये कहा था कि बल्लू बाथरूम में है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि वो हमारे बाथरूम में है। वो एक्चुअली दादाजी के बाथरूम में है। मतलब हॉल के बाथरूम में था। ओ भाई, ओ ओ तुम दोनों नक्की कर लो कौन से बाथरूम में था। हॉल हॉल पक्का पक्का हॉल है। ये बोलो, ये कटोरी लेके बाथरूम में गया था तू? पापा वो हम तीनों को बहुत भूख लगी है इसलिए वो देखो कटोरी लेके आ गया। बच्चों आ जाओ, जबरदस्त टेस्टी चाइनीज लेके आया हूँ। टेबल पे आओ। शुक्रिया चाची। अरे क्या शुक्रिया, अभी खुद भी गिरते और मुझे भी गिराते, हाथ पर टूट जाते दोनों के। तो अगर कालीन उड़ाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों? नहीं आता इसलिए तो सीख रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे सीख रहे हो अकेले अकेले, कोई जानकार जन तो होना चाहिए ना तुम्हारे साथ जो तुम्हें सिखा सके। तो आप ही सिखा दो चाची, आप कितना अच्छा उड़ाती हो। अरे मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? चलो अभी के अभी कालीन नीचे उतारो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी बादशाह से। चलो उतारो कालीन जमीन पे। लेकिन मुझे उतरना ही नहीं आता। ओफो,
अब एक पैर आगे करो और कालीन पे वजन दो। हाँ झुमरू, अब तुझे कालीन पे देखा ना तो तेरी खैर नहीं। ठीक है चाची। चलो भाई, हा मंचूरियन। बापूजी कहाँ गए? उनके लिए काढ़ा लाई थी। बापूजी होंगे यहीं कहीं। बापूजी ने चाइनीज खाने की जिद की थी और मैंने मना किया था। मैंने कहा था काढ़ा ही पीना पड़ेगा। लगता है रूठ कर चले गए। मीता चिंता मत करो, काढ़ा मुझे दो, मैं पिला के आता हूँ। दादाजी तो यहाँ है। कहाँ? आप यहाँ? मैं आपको अंदर ढूंढने जा रहा था। चले बाबूजी काढ़ा पीजिए। मैं काढ़ा नहीं पीऊंगा। बाबूजी जिद नहीं करते, काढ़ा पीजिए। मैं नहीं पीऊंगा काढ़ा। काढ़ा पीना पड़ेगा बाबूजी। अरे बाबूजी, अरे रोज रोज क्या मुझे काढ़ा पिलाते जी? नहीं, आप ही सेहत के लिए है ना। पीजिए बाबूजी, पीजिए। ऐसा नहीं होता बाबूजी। क्या कर रहे हैं बाबूजी? ये पूरी शर्ट खराब। पीजिए पूरा काढ़ा खत्म कीजिए। ये पूरी शर्ट मेरी खराब हो जाएगी। आप आइए, मैं साफ करके देती हूँ। हाँ क्या किया? आधा काढ़ा तो शर्ट में पिया। कोई बात नहीं, मैं साफ। क्या महेश और स्मिता नहीं है, अब हम इन्हें अपने असली रूप में लेके आते हैं। अरे वाह, चाइनीज। महेश ये देखिए बापूजी। अरे बापूजी, चाइनीज खा रहे? आपको मना किया था ना? ये ओ, और तू काढ़ा क्यों पी रहा है? मैं? मोटा भाई आप ही ने तो काढ़ा पिलवाया। मैंने? कब? अभी। ये क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे किसी भी तरह फितुरी को ढूंढना होगा, न मैं मानो मेहर से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन मैं फितुरी को भी कैसे ढूंढूं? और पता नहीं क्यों पर यहाँ पर मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। अब सजना भी दुनिया में किससे मदद मांगू मैं? नहीं करता, कोई नहीं सिखाता मुझे काली रुआना। सब कहते हैं झुमरू अभी तो बच्चा है, बड़े होके सीखना। लेकिन मैं बड़ों की राह नहीं देख सकता। एक काम करता हूँ, मैं कालीन उड़ाने की कोशिश करता हूँ। Thank you.
अरे बच्चे हट जाओ वहां से, अरे बच्चे लग जाएगा बच्चे। अरे हट जाओ बेटा, हट जाओ वहां से बेटा, हट जाओ लग जाएगा तुम्हें। अरे बेटा हट जाओ वहां से। अरे ये बच्चा, मैं बच गया। शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन बादशाह से मैं शिकायत मत करना, नहीं तो वो मेरा काले ले लेंगे और मुझे सजा भी देंगे। चिंता मत करो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। वादा? हाँ हाँ पक्का वादा। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम ये काले संभल कर उड़ाओगी। संभल कर क्या, मैं तो उड़ाऊंगा ही नहीं। बहुत कोशिश की लेकिन मैं सीख ही नहीं पाया, और कोई मुझे सिखाने को तैयार भी नहीं है। सब कहते हैं झुमरू अभी तू बच्चा है, और बच्चे कालीन नहीं उड़ाते। अच्छा तो तुम्हारा नाम झुमरू है। देखो झुमरू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कालीन उड़ाना बहुत आसान काम है। देखो जब हम पहले पहले कोई चीज करते हैं तो हमसे गलती होती है, लेकिन हमें गलतियों से भी सीखना चाहिए और उस गलती को सुधारना चाहिए। अगर पूरे ध्यान से और एकाग्रता से इस कालीन को उड़ाओगे तो जरूर सीख जाओगे। उड़ाना तो तुम मुझे सिखाओगे? हाँ हाँ जरूर सिखाऊंगा, चलो। देखो जुम्मू, इस कालीन को सबसे पहले ऊपर उड़ाने के लिए हमें अपना एक पैर आगे लेकर पीछे वाले पैर पर वजन देना होता है, ऐसे। चलो आ जाओ झुमरू, अब तुम भी कोशिश करो। ठीक है। अरे वाह, मैंने तो पहली कोशिश में कालीन उड़ा ली। बहुत अच्छे झुमरू, अब हम इस कालीन की गति बढ़ाएंगे। इस कालीन की गति बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर के वजन को आगे झुकाना होगा, ऐसे। शुक्रिया दोस्त। चल अब तुम कोशिश करो। ठीक है। संभल के। शुक्रिया। बहुत अच्छे झुमरू, तुम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब हम इस कालीन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। ठीक है। दाएं और बाएं घुमाने के लिए हमें अपने शरीर को भी दाएं और बाएं घुमाना होगा। बाएं, ये दाएं। चलो अब तुम भी मेरे साथ करो। बहुत अच्छी झुमरू। देखो झुमरू, अब हम इसकी गति कम करेंगे। इसकी गति कम करने के लिए हमें अपने दोनों हाथ ऐसे आजू बाजू रखने होंगे, ऐसे। झुमरू अब हम इस काली को नीचे उतारेंगे, अपना एक पैर आगे रखकर उस पर वजन देना होगा, ऐसे। चलो झुमरू अब तुम्हारी बारी, तुम अकेले कोशिश करो और इस काली को उड़ा। ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा।
मेरा नाम बालवीर। बालवीर? लेकिन ये तो जिनिस्तान का नाम नहीं लगता। मैं जिनिस्तान का हो भी नहीं जुमरू, मैं पृथ्वी लोक के बच्चों का रक्षक हूँ। एक जिन का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि मेरी समझ नहीं आ रहा है मैं फितूरी को कहाँ ढूंढूं, और पता नहीं मैं मानव महर तक कैसे पहुंचूंगा। बालवीर, तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अगर बादशाह को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कैद कर लेंगे, क्योंकि इंसानों का जिनिस्तान में आना मना है। फिर तुम अपने घर कभी वापस नहीं जा पाओगे। जुमरू, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मानव महर को चिराग की कैद से छुड़ाना बहुत जरूरी है। मेर, बालवीर हमारे पीछे पीछे जिनिस्तान तक तो आया था, लेकिन फिर वो हमें बचाने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? हाँ मानव, मैं भी वही सोच रही हूँ। हो सकता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। अरे मेर, अभी मुसीबत में तो हम फंसे हुए हैं, अब हम इस चिराग से बाहर कैसे निकलेंगे? कौन करेगा हमारी मदद? हम करेंगे हमारी मदद। वाह मेर, वाह, गुड आइडिया। हम हमारी ही मदद करेंगे। हम एक मुक्का मारेंगे तो चिराग टूट जाएगा, है ना? और फिर हम जादू से बड़े हो जाएंगे और हम उड़कर अपने घर में पहुंच जाएंगे, है ना? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ना मेर? देख मानव, मुझे ताने मत मार वरना पीट दूंगी। सॉरी मेर। इट्स ओके। लेकिन तू भी तो समझना, इस चिराग में से हमें कौन निकालेगा? हम खुद की मदद कैसे कर पाएंगे, है ना? मानव, याद है फितूरी अंकल ने जाने से पहले क्या कहा था? कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो जो मंगवाना है वो मंगवा लेना, ये चिराग तुम्हें दे देगा। वेरी फनी मेर, हम इतने बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मानव, मुझे खाने की नहीं पड़ी है। वो देख, चिराग का ढक्कन बहुत ऊंचा है और हमारे हाइट भी छोटी हो गई है, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन अगर कुछ फ्रूट्स मिल जाए तो बात बन सकती है। मैं समझ गया मैं, तू क्या कहना चाहती है? चल फ्रूट्स मंगवाते हैं। हाँ। ए चिराग, हमें बहुत भूख लगी है, प्लीज हमें बहुत सारे फ्रूट्स दे दो। शुरू हो जाते हैं। मानव, ये फ्रूट्स तो बहुत कम है। चल मानव, और मंगवाते हैं। ए चिराग, हमें थोड़े और फ्रूट्स दे दे। चिराग, हमें और बहुत सारे फ्रूट्स दे दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.